ये भी कहा कि ए कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजिजा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहे चरती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ ना देना। एक बेसबान ऊँटनी की बेरहमी से टांग काट दी गई। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक अफसोसनाक वाक्या शेयर करूँगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का शरफ क्यों दिया है? क्योंकि उसमें अकल और शहूर होता है दोस्तों, लेकिन किसी भी जानवर में अकल और शहूर नहीं होता। दोस्तों, सुबह सिंध के ज़िला सांगढ़ के गांव मुंडजमराव में एक ऊँटनी चारे की तलाश में एक खेत में चली गई। तो दोस्तों, उस गांव के जमींदार रुस्तम शाह ने अपने खेत में घुसने पर अपने 5 नौकरों के साथ मिलकर जहालत की इंतहा कर दी और ऊँटनी की टांग काट डाली। जुल्म की इंतहा है कि वो बेचारी ऊँटनी दर्द से बिलकती रही और रोती रही, जैसे कि आप सब वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही वाकया ही कुछ सालों पहले हज़रत सोलह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ पेश आया था। जैसे कि अल्लाह पाक ने सूरह हूद में इस वाक्य का बयान फरमाया है, और ये भी कहा कि ऐ कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजिजा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहे चरती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला तो सवाले ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा ना होगा, बस जब हमारा हुक्म आ गया उनको। लेकिन दोस्तों, उन लोगों ने ये बात नहीं मानी और उस ऊँटनी का कत्ल कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों के अलावा जो हज़रत सोलह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, पूरी कौम पर अजाब नाजिल करके उनको तबाह कर दिया। दोस्तों, कत्ल करने वाले तो सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन इस जुल्म पर खामोश रहने की वजह से अल्लाह पाक ने पूरी कौम को तबाह कर दिया था। इसी तरह दोस्तों, अगर हम इस जुल्म पर खामोश रहेंगे तो अल्लाह पाक इस जुल्म की सज़ा हम सब को देंगे। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस ऊँटनी को तिबी इमदाद दी गई है और दुबई से उसके लिए आर्टिफिशियल टांग का बंदोबस्त किया गया है, लेकिन दोस्तों, टांग लगाने से जो दर्द उसने सहा है उसका अजाला नहीं हो सकता। वजीर आला सिंध ने इस बात पर नोटिस लिया है और रुस्तम शहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, गिरफ्तार होने से कुछ नहीं होगा, सजा देनी है तो बदले में इनकी भी टांग काट दी जाए, ताकि इनको इस बेजुबान जानवर के दर्द का एहसास हो। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।